हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत बेहतर होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप मेरे पास देख रहे हैं, ये मैग्नेट कॉयल हैं दोस्तों, CDI हैं, चार्जर हैं और पिकअप कॉयल हैं दोस्तों, स्टार्टिंग कॉयल हैं, काफ़ी सारी मेरे पास कॉयल पड़ी हैं। यहाँ देखो मल्टीमीटर रखा है दोस्तों, और प्लस देख सकते हैं आप मेरे पास वैसे भी कितनी ज़्यादा कॉयल्स पड़ी हुई हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको कुछ मल्टीमीटर से कॉयल चेक करने के बारे में बताता हूँ दोस्तों, किस तरीके से चेक करते हैं। तो दोस्तों, मुझे सबसे पहले क्या करना है, अगर जैसे कि हम बात करते हैं दोस्तों पिकअप कॉयल के बारे में, ठीक है दोस्तों। दोस्तों, ये मेरा अपना अनुभव है, जो पिकअप कॉयल दोस्तों हम लोग चेक करते हैं दोस्तों, एक तो ये मैग्नेट का सिस्टम होता है, जैसे आप जानते हैं ये चिंबक का जो पावर होता है दोस्तों, ये चिंबक का जो चिपकने लगता है, ये भी ज़रूरी होता है दोस्तों। लेकिन जैसे होता क्या है, इनकी रेंज चेक करने के लिए क्या होता है, हमें किस तरीके से रेंज चेक करना होती है दोस्तों, कंफर्म तो नहीं बता सकते कितनी रेंज होना चाहिए, बट आपको ज़रूर बता देंगे हाँ इतनी रेंज होती है। अब दोस्तों, जैसे होता क्या है, लेकिन जैसा कि मैं आपको बता दूँ, जिस बाइक के लॉक में दो वायर होते हैं दोस्तों, वो जो होता है DC गाड़ी होती है, जिस लॉक में बाइक के वायर में दो तार होते हैं दोस्तों, वो DC बाइक होती है, और जिसमें चार वायर होते हैं तो दोस्तों वो AC बाइक होती है। लेकिन मेरा अनुभव यह है दोस्तों, जो DC बाइक होती है, जो दो तार होते हैं लगभग, उनकी पिकअप कॉयल की रेंज मेरे हिसाब से दोस्तों 200 से के आसपास तो रहती है, 220-230 भी होती है। खैर, ये तो अभी हम आपको कन्फर्म करके बताते हैं दोस्तों। जैसा कि मैं आपको बता दूं, मैं CDI के बारे में बताना चाहता हूं, किस तरीके से आप मल्टीमीटर से इसको चेक कर सकते हैं आसान से तरीके के साथ दोस्तों। जैसा कि आप इसके अंदर देख रहे हैं, एक दो दोस्तों, वहां पे दो पोल हैं और तीन पोल हमारे यहां पे हैं, तो टोटल हमारे CDI के वायर में ये बॉक्सर KB4S चैम्पियन प्लेटिना CT100 दोस्तों, इनमें 5 वायर का CDI होता है दोस्तों। मल्टीमीटर से चेक करने के लिए क्या होता है, जो तीन वाले पोल में दोस्तों, ये बीच वाला जो पोल है दोस्तों, ये प्लस का होता है, इस पे आपको रेड कलर का मल्टीमीटर की इस तरीके से पिन लगाना है दोस्तों, जैसा कि मैं आपको दिखा दूं अभी दोस्तों, इस तरीके से ये दोस्तों हमारी रेड वाली पिन इस तरीके से रख के हमें चेक करना है। CDI में दोस्तों प्लस माइनस होता है। अब मैं आपको फटाफट CDI चेक करके दिखाता हूँ दोस्तों, किस तरीके से CDI चेक करते हैं। देखो दोस्तों, मेरे पास काफी सारी CDI पड़ी, आप देख रहे हैं टोटल, जैसे ये सारी बॉक्सर और प्लेटिना की है दोस्तों। सब कुछ दोस्तों बताने से पहले मल्टीमीटर को स्टार्ट कर लेते हैं। आप एरो का निशान देख रहे हैं दोस्तों, इसको कहाँ पे ला के रखना है, बीप के निशान पे लाना है, तो इस तरीके से आप इसको घुमा लेंगे और यहाँ पे आप बीप पे ला सकते हैं दोस्तों। अगर आप बाइक की बैटरी की चार्जिंग चेक करना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आपको 20 पे सेट करना होगा, ठीक है। मैं आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए दोस्तों सीधा फटाफट आपको चेक करके दिखाते हैं दोस्तों, किस तरीके से ये सारी CDI मैं यहाँ निकाल लेता हूँ, फटाफट आपको चेक करा के दिखा देते हैं दोस्तों किस तरीके से चेक करना है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने मल्टीमीटर को अच्छे से सेट कर लिया है, और अब मैं ये मल्टीमीटर CDI को ले लेता हूं दोस्तों, और किस तरीके से चेक करते हैं। तो दोस्तों, आपको चेक करने से पहले क्या करना है, ये मेरा प्लस का निशान है दोस्तों, CDI चेक करने के लिए इस तरीके से इस पोजीशन में रखेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं इस पोजीशन में रखेंगे, और जो प्लस वाली लीड है वो आप क्या करेंगे, ये वाले निशान पे ले लेंगे, ठीक है, ये बीज वाले इस पे लेना है आपको। थोड़ा मैं दोस्तों ठीक से दिखा पा रहा हूँ शायद, इस तरीके से आपको लेना है, और मैं थोड़ा मल्टीमीटर को यहाँ रख लेता हूँ दोस्तों, आपको अच्छे से चेक करा देता हूँ। तो दोस्तों, आपको जैसे क्या करना है, ये आपने मल्टीमीटर की प्लस वाली पिन ले ली है दोस्तों, आपको बीज वाले पे लगाना है, और बीज वाले पे लगाने के बाद जो काला वाला दोस्तों हमारी पिन है उसको कहाँ पे रखना है, इस तरीके से लगा के, और हमें ब्लैक वाली पिन ये आप ऐसे लगाएंगे और यहाँ पे। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं मल्टीमीटर में लगभग 570-69 के आसपास आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, ये प्लस वाली जो हमारी पिन है दोस्तों, ये लीड है, इसको यहीं पे रहने देंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये ब्लैक वाली जो हमारी माइनस वाली है, इसको अब इधर वाली पिन पे लगा लेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, 1454
यहाँ पे 1454 है दोस्तों इस साइड, और यहाँ पे हमारा कितना है 570 के आसपास। ठीक है, आप दोस्तों इस तरीके से चेक करेंगे। ठीक है, ये मेरी सीडी आई दोस्तों, बिल्कुल परफेक्ट है। मैं इसको साइड रख लेता हूँ। अब जैसे क्या करना है दोस्तों, मेरी और भी सीडी आई है दोस्तों, इनको भी फटाफट चेक कर लेते हैं दोस्तों। इसको भी इसी पोजीशन में रखेंगे हम, इसको इस पोजीशन में रख के दोस्तों हम प्लस वाला यहाँ लगा लेंगे और माइनस वाला इसकी बराबर की साइड दे देंगे दोस्तों। देखो दोस्तों, यहाँ भी 570-69 आ रहा है। अब माइनस वाली पिन यहाँ से हम हटा लेंगे और माइनस वाली इधर लगा लेंगे। ठीक है, अभी आपको हम जैसा के दिखा पा रहे हैं दोस्तों, देखो 1482 के आसपास आ रहा है। ठीक है, ये भी मेरी सीडीआई मेरे हिसाब से एकदम परफेक्ट है। मैं इसको हटा लेता हूँ। ठीक है, अब मैं जैसा था दूसरे सीडीआई ले लेता हूँ दोस्तों। इसको भी मैं दोस्तों इसी पोजीशन में रख लूंगा। और मुझे क्या करना है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसको भी दोस्तों इसी पोजीशन में, लाल वाला जो हमारा प्लस का है उसमें बीच में लगाएंगे और यहाँ पे लगाएंगे। तो दोस्तों हमें यहाँ पे कितना मिला वो भी चेक करते हैं। अच्छा, यहाँ से हमने चेक कर लिया 1459 आ रहा है दोस्तों, और यहाँ पे कितना आ रहा है 569 के आसपास आ रहा है दोस्तों। ये सी डी आई मेरी एकदम परफेक्ट है। इसको भी मैं साइड रख लेता हूँ। ठीक है, एक सी डी आई और चेक कर लेते हैं दोस्तों, उसी पोजीशन में चेक करेंगे जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं। इस तरीके से हमें क्या करना है, यहाँ पे लगाना है दोस्तों और यहाँ पे लगाना है। जैसा कि आप देख रहे हैं 581 के आसपास आ रहा है, फिर माइनस वाली लीड हटा लेंगे और यहाँ पे लगा लेंगे। ठीक है, देखो ये 1490-91 आ रहा है। ठीक है, अब मैं फटाफट आपको बाइक के पास ले चलता हूँ और आपको प्रूफ करा देते हैं दोस्तों। हम अपनी एक, हमारे पास बाइक खड़ी है दोस्तों प्लेटिना, ये सारी सीडीआई हम आपको वहां पे प्रूफ के साथ चेक करा देते हैं दोस्तों, जो हमने आपको चेक कराई है। फटाफट चलते हैं दोस्तों। फाइनली मैं इसकी सीट खुलवा रहा हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मैंने सीट इसका हटा लिया है दोस्तों। ये मेरी सीडीआई है। मैं यहाँ पे अब आपको जरा मोबाइल पे चेक कराते हैं दोस्तों, हम मल्टीमीटर पे। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं मल्टीमीटर ले लिया है और जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं सीडीआई है। मैं इसको यहाँ से निकाल लेता हूँ दोस्तों। अभी ये मेरी सीडीआई है दोस्तों, इसको भी हम चेक करा देते हैं दोस्तों। जैसा कि हमने उन सीडीआई को चेक करा है दोस्तों, इस सीडीआई को भी उसी पोजीशन में रख देंगे और मल्टीमीटर पे आपको दिखाते हैं हम दोस्तों। ये रेड वाला यहाँ पे इस तरीके से बीच में लेना है और यहाँ पे दोस्तों 565 के आसपास आ रहा है मीटर में, आप देख रहे हैं। अब ये वाली माइनस की हम पिन ले लेते हैं और दोस्तों ये यहाँ लगा लेते हैं। तो दोस्तों 1456 आ रहा है। ठीक है, अब कोई बात नहीं, इस सीडीआई को दोस्तों क्या करते हैं, अब जैसा कि आप देख रहे हैं इधर, जो हमारी ये सीडीआई है हमने चेक करी है और ये वाली सीडीआई भी आपको चेक करा देते हैं दोस्तों। एकदम परफेक्ट सीडीआई है। फाइनली मैं आपको दिखा देता हूँ स्टार्ट करके। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मेरी आई गाड़ी स्टार्ट हो गई है दोस्तों। अब मैं क्या करता हूँ दोस्तों, इस सीडीआई को हटा देता हूँ। ठीक है, ये इधर फेंक देते हैं हम। ठीक है, अब जैसा कि आप देख रहे हैं, जो अभी हमने आपको सीडीआई चेक कराई थी वो हमारी ये है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं आपको ये चेक करा देता हूँ दोस्तों। मैंने चाबी को ऑन कर लिया है फटाफट और मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सीडीआई हमने लगाई है, ये स्टार्ट हो गई है। अब दोस्तों क्या करते हैं, चाबी को ऑफ कर लेते हैं और ये वाली सीडीआई हटा देते हैं। ठीक है, मैंने इसको भी साइड फेंक दिया है। अब जैसा कि ये दूसरी सीडीआई, तो दोस्तों इसको भी मैं लगा लेता हूँ। अब चाबी ऑन कर लेता हूँ, इग्निशन मैंने ऑन कर लिया है और फाइनली ये भी मेरी स्टार्ट हो गई है। ठीक है दोस्तों, इसको भी चाबी ऑफ करके हम इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, ये सीडीआई भी साइड पे फेंक देते हैं दोस्तों। जैसा कि आपको हमने ये चेक कराई थी दोस्तों, अब आपको ये भी चेक करा देते हैं। चाबी ऑन कर लेते हैं और इसको ठीक है दोस्तों। अब क्या करते हैं, ये वाली सीडीआई भी हटा देते हैं और आपको ये वाली भी चेक करा देते हैं। ठीक है, चाबी को जैसा मैंने ऑन कर लिया है दोस्तों, ये मैंने लगा दी है। अब देख रहे हैं दोस्तों, जैसा कि आप, ये भी स्टार्ट। अब दोस्तों आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों, ये जो मेरी आपको मैंने जितनी भी सीडीआई दोस्तों चेक कराई थी, ये मैंने सारी यहाँ पे इकट्ठी कर दी है। आप जैसे देख रहे हैं,
ये सीडी आई। तो दोस्तों लगभग मेरे हिसाब से दोस्तों केबी फोर एस चैम्पियन या सिटी 100 प्लेटिना लगभग इनकी दोस्तों एक साइड थे, प्लस हमारा बीच में रहेगा और माइनस दोनों इधर उधर करके एक साइड थे 570 के आसपास, एक साइड लगभग 1480-85 दोस्तों रेंज होती है। ठीक है, आप अच्छे से समझ गएंगे दोस्तों। जो दोस्तों रियल जानकारी होती हम आपको वही बताना चाहते हैं। अब आपको हम थोड़ा पिकअप कॉइल और स्टार्टिंग कॉइल के बारे में दोस्तों समझाते हैं।